भूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यहाँ से आप अम्बे माता के मंदिर से क्लियरली देख पा रहे हो, तो ये है गोरखनाथ जी का टेम्पल जो तीसरे शिखर पे है, और उसके पीछे जो चौथा शिखर और वो है दत्तात्रेय भगवान का टेम्पल। यहाँ पर जो है पूरा फॉग हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदे भी गिर रही है। आई होप कि बारिश ना गिरे। तो गिरनार के नियर बाई प्लेसेस है वो कवर करके मैं वापस आ गया हूँ गिरनार, और यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ मिली मेरे को कि जो है रोप वे स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से जाते और रोप वे की जो टिकट है वो निकालते। रोपे का जो एंट्रेंस है, बाहर का जो एंट्रेंस है, वहाँ से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको जो मेन गेट दिखाई देगा उस पर लिखा हुआ है उड़न खटोला। तो ये वही साइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके आप इस रोपे की जो ऑनलाइन बुक कर सकते हो टिकट, और बाकी की जो डिटेल्स है जो साइट की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो हम लोग ने जो टिकट निकाल ली है, और यहाँ पे जो है टिकट का कॉस्ट है वो है 2 वे का 700 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको 1 वे ही जाना है तो उसका जो कॉस्ट है वो है 400 रुपीज़। अम्बे माता का जो दूसरा शिखर है वहां तक जो है अप्रोक्स 5000 जो है सीढ़ी आपको चढ़ना नहीं पड़ती अगर आप इस रोपवे में जाओगे तो, और ये 23 किलोमीटर ये रोपवे सिर्फ 8 से 10 मिनट में कवर करता है। इस गिरनार पर्वत पे 4 शिखर है। पहला शिखर जहाँ पे जैन मंदिर है, सेकंड शिखर पे अम्बे माता का मंदिर है, और तीसरे शिखर पे जो है गोरखनाथ मंदिर है, और लास्ट यानी कि जो लास्ट शिखर है जो कि चौथा शिखर है उस पे दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। तो नीचे जो आप लोग सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, अगर जिसको रोपवे से जाना नहीं है तो यहाँ से आपको चढ़ के जाना पड़ेगा अम्बे माता के मंदिर तक। अगर आपको अम्बे माता के मंदिर तक चढ़ के जाना है तो आप जा सकते हो, बट आप दोपहर के टाइम पे मत निकलिए, सुबह जल्दी निकलिए, यानी कि 4-5 बजे आप निकलोगे तो आपको जो है ज्यादा धूप भी नहीं लगेगा और क्लाइमेट भी जो ठंडा रहेगा, तो आप इजीली चढ़ सकते हो। ये जो रोपवे है गाइस वो एशिया का लार्जेस्ट रोपवे है, और इस रोपवे पे 1 घंटे में 800 पैसेंजर्स जाते हैं और दिन में 8000। अगर आप इस रोपवे में आ रहे हो तो एक बात अच्छी मिलेगी आपको कि यहाँ से नज़ारे बहुत ही आपको ब्यूटीफुल मिलेंगे। जितने आप नज़ारे चल के नहीं एंजॉय कर पाओगे उतने नज़ारे आप यहाँ इस रोपवे से एंजॉय कर पाओगे। गाइस व्यू देखो बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। अब हम आगे रोपवे से बाहर यानी कि सेकंड शिखर पर जहाँ पर अम्बे माता का मंदिर है, तो चलते अम्बे माता के दर्शन करते। भावरों।
यहाँ इस अम्बे माता के मंदिर में श्री कृष्णा जी और उनकी पत्नी रुक्मणी जी खुद स्वयं यहाँ पर आए थे अम्बे माता के दर्शन करने के लिए, और उन्होंने जो है अम्बे माता से प्रार्थना की कि वो उन्हें स्वयं दर्शन दे। तो तब जाकर जो है यहाँ पर अम्बे माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और गिरनार पर्वत का ये जो अम्बे माता का मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से गोरखनाथ जी के टेंपल में, जो कि हमको यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। रोप पे आपको सिर्फ अम्बे माता के टेंपल तक ही लेकर आएगा, और गोरखनाथ जी के टेंपल तक जाने के लिए आपको जो है 2500 से 3000 सीढ़ियाँ वो चढ़ना पड़ेगा और जाकर दर्शन करना पड़ेगा। यहाँ से आप अम्बे माता के मंदिर से क्लियरली देख पा रहे हो, तो ये है गोरखनाथ जी का टेंपल जो तीसरे शिखर पे है, और उसके पीछे जो चौथा शिखर और वो है दत्तात्रेय भगवान का टेंपल। अगर आपको यहाँ पर आकर कुछ नाश्ता करना है तो आप यहाँ पर बैठकर कर सकते हो। यहाँ पर जो है नाश्ते के स्टॉल लगे हुए हैं, और आप नीचे से जो है पानी का बॉटल कैरी नहीं कर सकते हो, तो आपको जो है यहाँ से खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पर जो पानी का बॉटल का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर जो एजेड लोग आते हैं जो चढ़ नहीं पाते, तो वो लोग डोली के थ्रू भी जा सकते हैं। तो डोली का जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे क्या प्राइस है इसका लेकर जाने का, इससे कितना है मतलब 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आकर जाना कि अगर आप नीचे से लेके टोटली जो पूरा दर्शन है चारों पर्वत का, चारों शिखर का, तो वो लोग 14 से 15 हज़ार रुपये लेते हैं आने जाने का। अगर आप अम्बे माता के मंदिर से जो है चौथा शिखर तक जाते हो तो उसका कॉस्ट जो है आने जाने का वो लोग 7000 रुपीस लेते हैं। आप इस पर्वत पर आके कहीं पर भी रुक के यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो, और आप कहीं पर भी रुक जाओ आपको नज़ारा जो है ब्यूटीफुल देखने मिलेगा। लोग जो है यहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे, क्लिक करवा रहे। कितना है अंकल क्लिक करवाने का फोटो? एक फोटो खिंचाने का कितना है? अंकल फोटो खिंचवाने का कितना है? ये 50 वाली कॉपी है, 70 वाली। अच्छा, ये 50 वाली है, 70 वाली। दोनों में डिफरेंस क्या है? साइज का। तो साइज का सिर्फ, बाकी कुछ नहीं? तो 15 मिनट का ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंचे अभी गोरखनाथ जी के टेंपल में। तो मंदिर के अंदर चलते और दर्शन करते। ये जो सामने आप शिखर देख रहे हो वही है दत्तात्रेय भगवान का मंदिर। तो आपको जो है यहाँ से नीचे उतरना है और पूरा जो है वहाँ से घूम के जाना है, यहाँ से सीधा नहीं है, पूरा घूमना पड़ेगा। तो अभी जो है गोरखनाथ जी के टेंपल के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे गुरु दत्तात्रेय के टेंपल में, और गोरखनाथ जी के टेंपल से दत्तात्रेय टेंपल का जो डिस्टेंस है वो है और 3000 सीढ़ियाँ, जो अप्रोक्स 3000 सीढ़ियाँ जो हम लोग को उतरना है यहाँ से। और जैसे कि आप लोग अभी पहाड़ देख रहे हो, तो ये पहाड़ पूरा जो हमको घूम के जाना है वापस, तो चलते और गुरु दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करते। सो गाइज, दत्तात्रेय भगवान का जो टेंपल है वहाँ पे फॉग बहुत बहुत एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, तो जल्दी से जाना पड़ेगा नहीं तो वो व्यू नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो चलते और वहाँ पर दर्शन लेते, और यहाँ पे मैं दर्शन कर रहा हूँ तो एक फैमिली मिला वहाँ पे मेरे को,
तो यही वो फैमिली है। हाय गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तुमसे नाम? हाय तुमसे? विक्की गरत। आणि हेच फक्त गिरणार करायला आले। सोमनाथ पण जाणार? सोमनाथ पण जाणार आहे। अजून कुठे गेले पहिले? पहिले नंतर सोमनाथ। आता मी तिकडे जातोय, आता दर्शन करून येतो। माझं नाव भाविन प्रजापती। गुरु दत्तात्रेय जो अत्रि महर्षि और माता अनसुया के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिवजी ने अपनी पत्नियों के कहने के अनुसार माता अनसुया की पतिव्रता होने की परीक्षा लेनी चाहिए। आप गोरखनाथ जी के टेंपल से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टॉल दिखने मिलेगा, जहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पानी पी सकते हो। और ये जो सेवा है वो रोज चालू रहती है शाम को 7 बजे तक। तब ब्रह्मा विष्णु और शिवजी ने साधु के रूप में माता अनसुया के आश्रम पहुंचे और उन्हें निर्वस्त्र होके उन्हें भोजन कराने के लिए कहा। माता अनसुया ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें स्तनपान कराया। तो यहाँ से जो दो गेट है, एक गेट से आप मंदिर में जा सकते हो और एक गेट है जहाँ पे आपको जो है 24 घंटा जो है प्रसाद मिलता है, तो आप यहाँ पर आकर प्रसाद भी ले सकते हो। और ये दूसरा जो गेट है वहाँ से जो है दत्त भगवान के यहाँ पे धुनी है, जहाँ पे आप प्रसाद लेने जाओगे वहाँ पर आपको तो छोटे थैली में आपको जो है धुनी दी जाएगी। तो हम लोग जो है वहाँ पर बाद में जाएंगे, पहले जाते दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के लिए और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग प्रसाद लेने के लिए वहाँ पर नीचे जाएंगे। तीनों देवताओं की पत्नियां उन्हें ढूंढते हुए माता अनसुया के आश्रम तक पहुंच गई। तीनों देवताओं की पत्नियों ने उन्हें बालक के रूप में देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनसुया से माफी मांगी। माता अनसुया ने उन्हें माफ कर दिया और ब्रह्मा विष्णु और महेश को वापस अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया। माता अनसुया के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। माता अनसुया ने तीनों देवताओं के रूप में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जताई। यहाँ पर जो है पूरा फॉग हो गया और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदे भी गिर रही है। आई होप कि बारिश ना गिरे तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगा, रोप पे बंद हो जाएगा अगर ज्यादा हवा ही ज्यादा फॉग हो गया तो। तीनों देवताओं ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए वचन दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, शिव जी ऋषि दुर्वासा के रूप में और विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में उनके घर पैदा हुए। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। सो फाइनली जो है आधे घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद अपन लोग पहुंचे गुरु दत्तात्रेय टेम्पल के यहाँ पे। तो अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर जाते दर्शन करते और फिर मिलते। गुरु दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हो गए, अब हम जा रहे वापस नीचे जहाँ पर मैंने आपको दो गेट दिखाए थे। जो दूसरा गेट था वो जाता है भोजनालय की ओर, जहाँ पर आपको जो है दत्त धुनी जो दी जाती है। तो चलते वहाँ पर और जो है प्रसाद का भी थोड़ा सा लाभ लेते। तो हम लोग पहुँच गए वो गेट के यहाँ पे जहाँ से हमें जाना है दत्त धुनी के दर्शन करने के लिए। जब ऋषि दुर्वासा और चंद्रमा तपस्या के लिए गए तब उन्होंने अपनी सारी शक्ति गुरु दत्तात्रेय भगवान को दे दी। अगर आप इस दत्त मंदिर में दर्शन करने आते हो तो यहाँ पर जो है दत्त धुनी के भी दर्शन करने जरूरी है। अगर आप दत्त धुनी के दर्शन नहीं करोगे तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जो है दत्त भगवान के जो दर्शन है वो अधूरे है। तो अब मैं आ गया हूँ वापस दत्त धुनी के दर्शन करने के बाद। यहाँ पर आकर मैंने जाना कि ये जो दत्त धुनी है वो एवरी मंडे जो है 9 से 11 के बीच में जलती है। इन्होंने मुझे ऐसा बताया कि मंडे को जो है 9 बजे से पहले सारी जो धुनी जो जमा हुई रहती है वो निकाल देते हैं और वहाँ पर जो है सूखी लकड़ियाँ रख देते हैं और एवरी मंडे को जो 9 से 11 के बीच में वो धुनी अपने आप जलती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का एक रूप यानी कि गुरु दत्तात्रेय भगवान। और हमने यहाँ पर जो है प्रसाद का भी लाभ लिया और प्रसाद जो है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर प्रसाद भी खाइए और साथ में दत्त धुनी के भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पर जो है आपको दत्त धुनी एक पैकेट में भी दी जाती है, तो आप
को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। इस गिरनार पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय भगवान ने 12,000 साल तक तपस्या की थी। यहाँ इस गिरनार पर्वत पर जो है किसी को भी रात को रुकने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। शाम को 7 बजे यहाँ पर जो है दर्शन बंद हो जाते हैं। दिवाली के समय पर एकादशी से लेकर पूनम तक इस 5 दिनों में इस गिरनार पर्वत की जो है परिक्रमा होती है, और ये जो परिक्रमा है टोटल 14 से 15 किलोमीटर की रहती है, और ये जो परिक्रमा है उसे पार करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। तो गिरनार पर्वत के दर्शन करके वापस हम लोग आ गए बाहर, और हम लोग ने जो गिरनार पर्वत के जो दर्शन है वो स्टार्ट किए थे 1:30 बजे, और अभी बज रहे 4, यानी कि 3.5 घंटा लगा हमें ऊपर से नीचे तक आने के लिए और दर्शन करने के लिए। वो भी हम लोग रोपवे में गए थे, इसके लिए हम लोग का जो है टाइम थोड़ा सा बच गया। अगर आप यहाँ से चल के जाओगे, नीचे से चल के जाओगे आप, अगर रोपवे का यूज़ नहीं करते हो आप, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही रखते हैं। गर्दी बहुत ज़्यादा हो गया सोमनाथ बस में, बैठने मिलेगा तो ही जाऊँगा, नहीं तो इतना सामान लेके खड़ा किधर होगा मैं।